Hello, welcome to my channel Maths-O-Matic, makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 5 understanding elementary shapes exercise 5.5 all questions solved. अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5. इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं. ये कहता है which of the following are models for perpendicular lines. इनमें से कौन सा मेरा perpendicular lines हो सकता है. वन का ए देखिए कहता है द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप. यानी कि अगर ये एक मेरा टेबल है इस तरीके से, इसका जो एडजेसेंट एज है, देखिए एज क्या होता है, कोना. तो ये है मेरा एक कोना, ठीक है. और दूसरा कोना कौन सा है मेरा, देखिए ये वाला एक कोना है इसका और ये वाला एक कोना है, ठीक है. तो ये जो मेरा कॉर्नर है, इस कॉर्नर का या एज का, इस एज का मेरा एडजेसेंट एज कौन सा हो गया, एक हो गया ये और एक हो गया ये, ठीक है. तो द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप, क्या वो परपेंडिकुलर है. देखिए इस लाइन को ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, ये लाइन जो है ये वाला, ये जो है ये इस लाइन के साथ, ये वाले लाइन के साथ एकदम स्ट्रेट बाई स्ट्रेट और सेंटर बाई सेंटर बाइसेक्ट कर रहा है. यानी कि ये वाला हो गया मेरा 90 डिग्री और ये भी हो गया मेरा 90 डिग्री, है ना. तो अगर 90 डिग्री एंगल होता है तो मेरा क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर लाइंस. तो ये वाला हो जाएगा मेरा यस. देखिए यस हो गया, आसान था. इस तरीके से हम लोग समझ लिए. देखते हैं नंबर बी, द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक. तो रेलवे ट्रैक में क्या होता है, एक मेरा ट्रैक होता है ऐसा और दूसरा ट्रैक होता है मेरा ऐसा. तो क्या ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है कहीं पे या इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है. तो ये क्या हो गया मेरा आंसर इसका, नो. देखिए आंसर मेरा नो है. अब देखिए नंबर सी, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल. जैसे एल जो मेरा बना लेटर, देखिए ये एल बना ऐसे, ठीक है. तो एल में क्या हुआ, ये एक लाइन मेरा सीधा है स्ट्रेट और ये भी लाइन मेरा स्ट्रेट है. तो अगर हम लोग कुछ इस तरीके से इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये क्या किया, और इसको भी एक्सटेंड कर लीजिए, तो क्या हुआ, देखिए ये जो लाइन है मेरा इस लाइन के ऊपर में एकदम स्ट्रेट गिरा है इस तरीके से. तो ये मेरा हो गया 90 और ये भी हो गया मेरा 90. वैसे ही ये वाला जो लाइन है, ये वाला, तो ये लाइन जो है मेरा इस लाइन के ऊपर भी एकदम स्ट्रेट गिरा है, देखिए इस तरीके से. तो ये भी हो गया मेरा 90 और ये भी हो गया मेरा 90. तो अगर मेरा एंगल 90 डिग्री होता है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन. तो नंबर सी का आंसर क्या होगा मेरा, यस. देखिए यस है. ये नंबर डी कहता है द लेटर वी. तो V को हम लोग पहले लिख लेंगे कुछ इस तरीके से. तो V लिखने के बाद अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, देखिए कुछ नीचे की तरफ ऐसे एक्सटेंड किए इस लाइन को और इस लाइन को एक्सटेंड किए हम लोग कुछ इस तरीके से, तो क्या मेरा दोनों स्ट्रेट लाइन हुआ, नहीं. ये देखिए ये मेरा क्रॉस बन गया, है ना. तो ये क्या हो गया, ये जो एंगल है वो मेरा 90 डिग्री नहीं हुआ. इसलिए अगर मेरा एंगल 90 डिग्री नहीं होता है तो क्या वो मेरा परपेंडिकुलर लाइन हो सकता है, नहीं. तो मेरा आंसर हो जाएगा नो. देखिए आंसर मेरा नो है. नंबर टू देखते हैं. नंबर टू कहता है लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई. तो समझिए कि एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू जो लाइन सेगमेंट एक्स वाई के साथ परपेंडिकुलर है. एंड कहता है कि लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए. और कहता है कि पी क्यू और एक्स वाई जहां इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट का नाम है ए. देखिए ये है मेरा पी क्यू लाइन सेगमेंट, ठीक है, और ये है मेरा एक्स वाई लाइन सेगमेंट. ये दोनों क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ कहां पे, इस पॉइंट में. तो इस पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट होता तो इस पॉइंट का नाम क्या पड़ा, ए. तो हमसे पूछता है क्या, ये कहता है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई. यानी कि पी ए वाई जो एंगल है वो कितना होगा. देखिए ये एंगल पी ए वाई, तो ये मेरा कितना बना, अगर दो लाइन स्ट्रेट इंटरसेक्ट होता है एक दूसरे के साथ तो वो एंगल मेरा क्या बनेगा, 90 डिग्रीज. गॉट इट. तो ये दोनों हो गया मेरा परपेंडिकुलर लाइंस, पी क्यू एंड एक्स वाई आर परपेंडिकुलर लाइंस. नंबर थ्री, नंबर थ्री बोलता है देयर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट द कॉर्नर्स, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन. एंगल ऑफ फर्स्ट सेट स्क्वायर इज 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री. सेट स्क्वायर मेरा कुछ इस तरीके से दिखता है, एक होता है मेरा स्ट्रेट ऐसा, फिर होता है मेरा ये स्ट्रेट ऐसे, और एक होता है इस तरीके से, ठीक है. और दूसरा जो सेट स्क्वायर है
दूसरा सेट स्क्वायर में दिखता है कुछ इस तरीके से, वो हो जाएगा मेरा ऐसा और ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा मेरा कुछ ऐसा। ठीक है, दो टाइप का सेट स्क्वायर होता है, पहला टाइप का होता है इस तरीके से और दूसरा का होता है इस तरीके से। ठीक है, तो एंगल्स ऑफ फर्स्ट सेट स्क्वायर क्या है मेरा, तो पहला जो सेट स्क्वायर है उसमें है मेरा एंगल ये वाला हो गया 90, एक होता है 45 यानी कि ये होता है 45 और ये होता है 45। ठीक है, ये दोनों होता है मेरा 45 और 45 डिग्रीज और एक होता है 90 डिग्रीज। ठीक है, मेरा पहला सेट स्क्वायर में आ गया। अब कहता है दूसरा जो सेट स्क्वायर है उसमें मेरा 90 डिग्रीज होता है, 30 होता है, 60 होता है, तो 90 कौन सा हो गया, ये हो गया मेरा 90। देखिए दो लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री और ये हो गया मेरा 60 डिग्री और ये हो गया मेरा 30 डिग्री। ओके, अब इन दोनों में कहता है कि कौन से एंगल कॉमन है। देखिए यहाँ पे मेरा कोई एंगल कॉमन है, यहाँ पे मेरा सिर्फ एक एंगल कॉमन है जो कि मेरा है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे द कॉमन एंगल मेजर्ड इज 90 डिग्रीज। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। 4 कहता है स्टडी द डायग्राम, जो दिया हुआ डायग्राम है उसको स्टडी कीजिए। द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, लाइन जो एल है ये वाला लाइन जो है ये लाइन स्ट्रेट लाइन ये जो है वो एम के साथ जो ये लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर कहता है इज सी ई इज इक्वल टू ई जी, सी ई मतलब यहां से लेके यहां तक, क्या मेरा सी ई इज इक्वल टू ई जी है ये पूछ रहा है, मतलब सी से लेके ई तक जो डिस्टेंस है क्या मेरा ई से लेके जी तक उतना ही डिस्टेंस है। देखिए यस सी ई इज इक्वल टू ई जी। ओके, क्यों, देखिए देखिए यहाँ पे सी से लेके डी और डी से लेके ई कितना गैप हुआ इसमें, एक और दो, वैसे ही ई से लेके एफ और एफ से लेके जी कितना हुआ इसमें गैप, एक और दो, तो दोनों में दो दो गैप आ रहा है इसलिए दोनों ही मेरा सेम है। ओके, अब देखते हैं नंबर बी। नंबर बी कहता है डज पीई बाइसेक्ट सी जी, देखिए पीई कहाँ है, ये है मेरा पी पॉइंट और ये है मेरा ई पॉइंट, ये वाला ये जो मेरा पॉइंट है पीई ये क्या मेरा सी जी, तो सी ए है और जी ए है। ठीक है, तो पीई जो है ये वाला ये क्या मेरा ये जो लाइन है पीई ये क्या मेरा सी जी को बाइसेक्ट करता है, एकदम करता है, क्योंकि ये जो लाइन है मेरा पीई ये वाला स्ट्रेट लाइन है और सी जी मेरा जो है वो मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो दो स्ट्रेट लाइन अगर मेरा कुछ इस तरीके से अगर बाइसेक्ट करता है तो वो मेरा परपेंडिकुलर हुआ ना। देखिए ये है मेरा पी और ये है मेरा ई और इस तरफ से आ रहा है मेरा सी और इस तरफ से आ रहा है मेरा जी, तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना, देखिए तो ये मेरा बी ई बाइसेक्ट सी जी हो गया, आंसर होगा यस। बी का देखिए आंसर है यस, पी ई बाइसेक्ट सी जी। नंबर सी देखते हैं, नंबर सी कहता है आइडेंटिफाई टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पीई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पे हम लोगों को दो ऐसा लाइन सेगमेंट खोजने के लिए बोल रहा है जिसमें मेरा पीई जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। तो देखिए डी एफ एंड बी जी आर लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पीई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो डी एफ और बी जी दो लाइन सेगमेंट हुआ जिसके साथ पीई मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो डी एफ और बी जी दोनों के साथ ही मेरा ये जो लाइन है पीई वो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन मेरा पीई है पी से लेकर ई तक स्ट्रेट लाइन ये मेरा हरेक के साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए और एच एक स्ट्रेट लाइन है और उसके साथ मेरा पीई लगा हुआ है तो ये हो गया मेरा ए एच परपेंडिकुलर टू पीई, वैसे ही बी जी परपेंडिकुलर टू हो जाएगा मेरा पीई, फिर सी एफ परपेंडिकुलर टू हो जाएगा मेरा पीई और डी एफ मेरा परपेंडिकुलर टू हो जाएगा पीई, तो किसी भी लाइन के साथ मेरा पीई परपेंडिकुलर है क्योंकि ये जो मेरा लाइन है पीई ये पूरे स्ट्रेट लाइन के साथ एक इस तरीके से उसको स्टेट बाय स्टेट उसको क्रॉस कर रहा है या बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कहता है आर दिस ट्रू ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी, तो यहाँ पे मेरा ए सी कहाँ पे है, देखिए ए सी ए से लेके सी तक कितना हुआ मेरा टू, ठीक है यहां से यहां तक हुआ वन, यहां से यहां तक हुआ वन, तो ये कितना हो गया टू, तो ए सी मेरा टू होता है, तो एफ जी क्या है मेरा एफ जी, एफ जी कितना है मेरा देखिए सिर्फ वन, तो टू यहाँ पे और यहाँ पे है वन, तो मेरा ए सी ग्रेटर देन एफ जी हुआ, यस ट्रू होगा, देखिए यस। नंबर टू देखते हैं सी डी इज इक्वल टू जी एच, सी डी कहाँ है देखिए ये है सी डी, ये कितना हुआ मेरा वन, और जी एच किधर है देखिए जी एच
GH भी 1 है मेरा, तो CD इज इक्वल टू GH हुआ, यस यस हो गया। नंबर 3 देखते हैं, BC इज लेस देन EH, BC किधर है, ये देखिए ये है मेरा B और ये है मेरा C, तो कितना है इसमें 1, और EH किधर है, देखिए ये है E और ये है H, तो कितना है इसमें E से लेके यहाँ पर 1, फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो सब मिला के हुआ कितना 3, यहाँ पे कितना था 1, तो मेरा जो BC है ये है मेरा 1 और मेरा EH कितना है 3, तो EH मेरा BC से ग्रेटर हुआ जो कि यहाँ पे हो रहा है, तो आंसर होगा मेरा यस, आ गया यस, ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।